Hey guys, welcome back to another video. और यार देखो, आज मैं हूँ अपने घर से थोड़ी सी दूर, क्योंकि आज हम करने वाले हैं थोड़ा सा विलेजर का काम. और मैंने चाहता कि वो काम मैं अपने घर के पास करूँ, क्योंकि यार देखो, अगर घर के पास बहुत ज़्यादा लिविंग एंटिटीज होंगी तो यार गेम बहुत लैग करेगा. तो अभी हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें क्राफ्ट कर लेनी है एक बोट. ओके, तो ये आ गई हमारी बोट. और आज हम विलेजर बेसिकली लाने नहीं वाले, आज हम विलेजर बनाने वाले हैं. तो उसके लिए सबसे पहले तो हमें रात होने का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि हमें थोड़े बहुत जॉम्बी विलेजर ढूंढने पड़ेंगे. ओके गाइस, तो रात हो चुकी है और अभी हमें मिलने वाला है जॉम्बी विलेजर. बट यार उससे पहले सेफ्टी फर्स्ट, अपनी शील्ड पहन लेना, क्योंकि यार देखो कुछ भी हो सकता है, क्रीपर वगैरह फट सकते हैं. तो अभी बस घूमते रहना है जब तक हमें थोड़े बहुत जॉम्बी विलेजर ना मिल जाए. एक भी चलेगा वैसे. ओके गाइस, वो देखो हमें सामने एक जॉम्बी विलेजर मिल चुका है. तो अभी बस क्या करना है, हमें अपनी बोट लेनी है और इसके पास जाके इसको बोट में ट्रैप कर देना. देखो कुछ इस तरीके से अभी अपना बोट मार के बैठ जाएगा. मैं चाहता हूँ कि ये दोनों आ जाए इसके अंदर, तो ज़्यादा बेटर रहेगा. ओके नाइस, ठीक है. तो अभी हमें कुछ नहीं करना, हमें चाहिए थोड़े से बिल्डिंग ब्लॉक्स. तो मेरे पास तो फिलहाल वुड ही है, तो मैं वुड का यूज़ करने वाला हूँ. और अभी हमें इनके ऊपर एक छोटा सा प्लेटफॉर्म बिल्ड कर देना है, ताकि अगर काम करते करते सुबह भी हो जाए तो इनको कोई हार्म ना हो. ओके, तो हमारा जो पहला काम है वो तो हो चुका है, जो कि था इनको ट्रैप करना. और अभी आप चाहो तो बेड पे सो सकते हो. ओके, तो अभी हमें इनके लिए छोटा सा जो है मतलब घर टाइप बिल्ड करना पड़ेगा. और उसके लिए यार देखो, बिल्डिंग ब्लॉक्स तो मैंने पहले से इकट्ठा करके रखे हुए हैं, ज़्यादा नहीं चाहिए, बट मैंने इन फ्यूचर के लिए भी स्मेल्ट कर लिए हैं अगर मैं इनको बड़ा करना चाहता हूँ तो. तो अभी बस कुछ नहीं करना, हमें थोड़े बहुत स्टोन ब्लॉक चाहिए. जैसे मर्जी आप पैसे बना सकते हो. ओके गाइस, तो ये देखो मैंने ये जेल टाइप बिल्ड किया है इन विलेजर्स को कैद करने के लिए. और अगर आप भी मेरी तरह ये आयरन बार्स का यूज़ कर रहे हो तो थोड़ा ध्यान से करना, क्योंकि आप इनके ऊपर से जंप कर सकते हो विदाउट एनी डिफिकल्टी. तो ऊपर भी लगा देना. ओके यार, तो अभी मैं कुछ पोशन बनानी है, जो कि है पोशन ऑफ वीकनेस. और यार ये देखो, जो मैंने ये अपने घर के नीचे प्लांट किया था, ये सब मैंने हटा के ऊपर बना दिया, जो कि अभी इनकम्प्लीट है, कम्प्लीट नहीं हुआ है. इसकी छत यहाँ से पूरी करनी है. तो पोशन ऑफ वीकनेस बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए एक शुगर, और हमें चाहिए एक ब्राउन मशरूम, और हमें चाहिए एक स्पाइडर आई. देन हमें इनको कुछ इस तरीके से मिक्स कर देना है, तो हमें मिल जाएगी एक फर्मेंटेड स्पाइडर आई. तो अब हमें चाहिए एक नदर वॉट, और वाटर बॉटल्स मैंने ऑलरेडी फिल करके रखी हुई है. तो अब बस इनको ऑकवर्ड पोशन में ट्रांसफॉर्म कर लेना है. ओके, देन हमें इसके अंदर मिला देनी है एक फर्मेंटेड आई. ओके, तो जो हमारी पोशन ऑफ वीकनेस है वो रेडी है, बट अभी भी ये यूजेबल नहीं है, क्योंकि हमें बनानी है स्प्लैश पोशन ऑफ वीकनेस, ताकि हम उसको बाकी मॉब्स के ऊपर फेंक के मार सके. तो उसके लिए हमें चाहिए गन पाउडर, और रेडस्टोन में टाइमर बढ़ाने के लिए ले लेता हूँ. ओके, टाइमर बढ़ चुका है. देन हमें लास्ट इसके अंदर मिला देना है एक गन पाउडर. ओके, तो देखो यार, ये कन्वर्ट हो चुके हैं स्प्लैश पोशन ऑफ वीकनेस में, और अभी हम इसको फेंक के मार सकते हैं, बट मैं अभी यूज़ करने वाला नहीं हूँ उसको. ओके गाइस, तो जो हमें लास्ट चीज़ क्राफ्ट करनी है वो है एक गोल्डन एप्पल. और एक मेरे पास ऑलरेडी है, और एक मैंने और एक क्राफ्ट कर लिया, क्योंकि हमें फ़िलहाल दो की ज़रूरत है. ओके यार, तो दिक्कत आ चुकी है, जो भी मैंने ज़ॉम्बी विलेजर ट्रैप करे थे वो डिस्पॉन हो चुके हैं अनफॉर्चुनेटली, और मेरे को दोबारा से ट्रैप करने पड़ेंगे. ओके गाइस, तो यार वो देखो सामने हमें चार चार जॉम्बी विलेजर मिल चुके हैं, और यार यही मौका है. तो सबसे पहले तो यार देखो, हमें जॉम्बी विलेजर को ट्रैप करना है, ठीक है. और ये मैंने कर दिया ट्रैप, और एक ट्रैप हो जाए तो बढ़िया है. ओके नाइस, दो ट्रैप हो चुके हैं, और अभी चलते हैं वापस से. और मेरे को और एक बोट बनानी पड़ेगी सबसे पहले तो.
हाँ भाई, कैसी लगी? आगे स्वाद। ओके गाइस, तो यार देखो, फाइनली हमें एक ज़ॉम्बी विलेजर मिल चुका है, तो अभी करते हैं इसको ट्रैप और जो साइड के ज़ॉम्बी है इनको निपटाते हैं सबसे पहले। ओके तो देखो, अभी क्या करना है, हमें चाहिए अपना स्प्लैश पोर्शन ऑफ वीकनेस और बस इसके ऊपर हमें फेंक के मारना है कुछ इस तरीके से। देन हमें चाहिए अपना गोल्डन एप्पल और इसके ऊपर लेके जाना है और क्योर के बटन पर क्लिक कर देना है, कुछ अजीब सी आवाज़ आएगी और अभी कुछ ही देर में हमारा जो ज़ॉम्बी विलेजर है वो एक सिंपल विलेजर में कन्वर्ट हो जाएगा और विदाउट एनी विलेज आपके पास एक विलेजर होगा। ओके गाइस, तो जो हमारा ज़ॉम्बी विलेजर था वो अब एक नॉर्मल विलेजर में कन्वर्ट हो चुका है और ये बना एक बचर में, तो अब इसे लेके चलते हैं अपने विलेजर हॉल के पास। ओके यार देखो, तो उसको मैंने ट्रैप तो कर दिया बट मैं इसको बनाने वाला हूँ एक लाइब्रेरियन में, जो मैं बनाऊँगा एक मेंडिंग लाइब्रेरियन। तो इसको आज़ाद करने से पहले सबसे पहले हमें यहाँ पर एक लेक्टर्न रखना पड़ेगा कुछ इस तरीके से। देन अब इसको तोड़ देते हैं हम। ओके और यहाँ पर हम लगा देते हैं एक बेड कुछ इस तरीके से, और ये ट्रांसफॉर्म क्यों नहीं हो रहा है मेरे को पता नहीं, आई थिंक मेरे को दोबारा तोड़ के लगाना पड़ेगा और एक बार। ओके ट्रांसफॉर्म हो चुका है और अभी देखते हैं क्या दे रहा है। तो यार ये देखो, हमें एक रिवॉर्ड मिलता है जो कि है ज़ॉम्बी विलेजर को एक सिंपल विलेजर में कन्वर्ट करने के लिए, और रिवॉर्ड ये है कि हमें जो हमारी फर्स्ट डील होती है वो हमें 1 एमराल्ड की मिलती है। ये देखो 16 एमराल्ड की बुक हमें 1 एमराल्ड में मिल रही है जो कि है फेदर फॉलिंग 1, किसी काम की नहीं है। बट हमें चाहिए मेंडिंग, तो मेंडिंग करने के लिए क्या करना है, बस लेक्टन को बार बार तोड़ना है और दोबारा लगाना है और देखने की मेंडिंग आई कि नहीं है। ओके यार, तो आधा घंटा कोशिश करने के बाद मुझे फाइनली मेंडिंग का विलेजर मिल चुका है जो कि हमें 1 एमराल्ड में मेंडिंग दे रहा है। ये देखो, तो यार देखो, मेरे को बार बार जो लेक्टन है उसको हाथ से तोड़ना पड़ रहा था, तो मैंने कंट्रैप्शन बना दिया नीचे। मैं एक बार ज़रा बाहर जाकर दिखा देता हूँ, लेकिन उससे पहले जो मैं अपनी डील है उसको एक बार कन्फर्म कर लेता हूँ। तो इसके लिए मेरे को 19 पेपर बेचने पड़ेंगे। ओके गाइस, तो ये कर दी हमने इसकी डील लॉक, और अब चाहे मैं कितनी भी बार लेक्टन तोड़ लूँ इसकी डील अब चेंज नहीं होने वाली। ये मेरे को हमेशा के लिए अब 1 एमराल्ड में मेंडिंग की बुक बेचेगा। तो एक बाय कर लेते हैं यार, क्या दिक्कत है। ओके तो मैं आपको वो कंट्रैप्शन दिखा देता हूँ जो मैंने बनाया था। तो ये देखो, लेक्टन के पीछे मैंने बस एक स्टिकी पिस्टन लगा दिया है और इसको लीवर से कनेक्ट कर दिया है। तो जब भी मैं इस लीवर को प्रेस करूँगा तो ये स्टिकी पिस्टन उस लेक्टन को धक्का देगा और जॉब जो है वो अपने आप चेंज होती रहेगी, और ये टेम्पररी है। तो इसको मैं ज़रा अंदर करके तोड़ देता हूँ इसे। ओके अब ठीक है। तो हाँ यार, बस आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।